दोस्तों 2019 का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा वैसे ही नेताओं में काफी टक्कर देखने को मिल रही है, इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेगूसराय सीट को लेकर के गिरिराज सिंह जो कि बीजेपी के मंत्री हैं वो वहां से लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां पे सीपीएम ने कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि खबरें ये आ रही थी कि महागठबंधन से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन महागठबंधन से उनको सीट नहीं दी गई, वहां से उनको अपना प्रत्याशी नहीं चुना गया। ऐसे में सीपीएम ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपना उम्मीदवार कन्हैया कुमार को चुना और उनको बेगूसराय सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में बीजेपी के जो कद्दावर नेता है गिरिराज सिंह, उनको भी बेगूसराय सीट से लड़ने के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो वहां से लड़ने के लिए राजी नहीं है। वो क्यों नहीं राजी है आज इस वीडियो में उसकी हकीकत आपको पता चल जाएगी, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह वर्सेस कन्हैया कुमार की काफी कड़ी टक्कर इस बार होने वाली है, लेकिन गिरिराज सिंह अभी भी बेगूसराय सीट से लड़ने के लिए राजी नहीं है। काफी ज्यादा उनके न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा, बयान भी आ रहे हैं, स्पीच भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अभी भी राजी नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार से सीधा उनका मुकाबला है और कन्हैया कुमार को बेगूसराय में काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, सीपीएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार कन्हैया कुमार को वहां से बनाया है और कुछ आज ही के दिन कन्हैया कुमार ने एक ट्वीट भी किया है, आपको वो ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने के लिए कुछ अमाउंट भी लोगों से जो है मांगने जैसी एक रिक्वेस्ट की है और उनको एक दिन में 2 लाख से ज्यादा चंदा मिल गया है। तो ये क्यों मिला है, क्योंकि दोस्तों उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही अच्छी खासी है बेगूसराय में और वो सीपीएम के उम्मीदवार हैं, तो इसलिए गिरिराज सिंह वहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह एक बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, अगर वो वहां से हार गए तो उनके लिए बहुत ही शर्म की बात होगी, इसलिए वो चुनाव में कन्हैया कुमार के सामने उतरना नहीं चाहते। यही है दोस्तों इसकी हकीकत। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।